आप उनका नाम है मैक्स भाई। मैक्स बोले तो मैक्सिमम, मतलब ज्यादा प्रकार की खरपतवारों पर कंट्रोल। मैक्स बोले तो सोयाबीन की खरपतवारों का सबसे बड़ा दुश्मन। तो सोयाबीन की खरपतवारों को सही में खत्म करना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखो और ध्यान से सुनो कि डॉक्टर गोयल क्या कह रहे हैं। अखा दुनिया में लोग फसलों के बारे में डॉक्टर गोयल की राय मानते हैं। सबसे जरूरी बात है, जब हम मैक्स दवाई का प्रयोग करें तो उसके लिए ज़मीन रेतली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये आप देखते हो रेत उड़ रहा है। और उसके लिए जो ज़मीन है वो इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ा भारी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे हमें मैक्स का प्रयोग करना है। जैसा आप जानते हैं, कोई भी दवाई, कोई भी खरपतवार नाशक जो बिजाई के समय उपयोग करते हैं, उसके लिए खेत का एक सार होना, समतल होना, लेवल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यदि हमारा खेत लेवल नहीं है, समतल नहीं है, तो जो दवाई है वो एक तरफ इकट्ठी हो जाती है और उससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। आप देख रहे हैं ये खेत कितना समतल खेत है और इसी में हमें मैक्स का प्रयोग करना है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मैक्स भी सारे खेत का सर्वे करके आया है। अब आप सोचोगे डॉक्टर साहब पानी की मात्रा कितनी लगाएं। देखो भी, दवाई जहाँ पे जाएगी वहीं पे काम करेगी, तो पानी इतना लगाना है कि हमारा जो ज़मीन पूरी तरह से कवर हो जाए। और इसके लिए आपको कम से कम 150 से 200 लीटर पानी लगाना है। दवाई की मात्रा उतनी ही रखनी है जो रिकमेंडेड मात्रा है, लेकिन पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर प्रति किले के हिसाब से लगाएं। बोला था अपुन बहुत निजी है डॉक्टर गोयल, तभी तो मैंने बुलाया उनकी स्टूडेंट भूमिका मैडम को। मैक्स के बारे में सब जानती है ये। किसान दोस्तों नमस्कार। दुनिया का जाना माना सोयाबीन की बिजाई के समय का खरपतवार नाशक अब भारत में आ गया है, नाम है मैक्स। मैक्स कंट्रोल करता है 25 प्रकार के खरपतवारों को, वो भी 50 दिन तक के लिए। लेकिन ध्यान रहे, पहली सिंचाई या बरसात मैक्स के उपयोग के 28 दिनों के भीतर भीतर हो जानी चाहिए। देखिए मैक्स का 15 दिन के बाद रिजल्ट, मैक्स का 30 दिन के बाद रिजल्ट, मैक्स का 45 दिन के बाद रिजल्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाई तरफ मैक्स का उपयोग हुआ है और दाई तरफ मैक्स का उपयोग नहीं हुआ है। बाई तरफ आपको कोई खरपतवार नहीं नजर आ रहा है और दाई तरफ आपको खरपतवार नजर आ रहा है, तो रिजल्ट आपके सामने है। मैक्स उगने से और उगी हुई भिन्न भिन्न खरपतवारों को काबू करता है। मैक्स का इन खरपतवारों पे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है, जैसे कि गाजर घास, फुलकिया, सफेद मुर्ग, जंगली चौलाई, बोकना, कंजरू, पत्थर चाटा, तेवड़ी, चिरपोटा, चेंच, हजारदानी, आधा सीसी। मैक्स का इन खरपतवारों पे मध्यम नियंत्रण होता है, सावा, भट्टा, सत्यानाशी, छोटी दूधी, बोकनी, खरायू, पारा घास, कांचरिया और बरू। मैक्स उपयोग करने का तरीका, 100 मिली मैक्स को कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में मिलाएं और एक एकड़ जमीन में इस्तेमाल करें। बुआई के 24 घंटों के अंदर ही मैक्स का स्प्रे करें। मैक्स का स्प्रे के लिए कट नोजल का ही इस्तेमाल करें। स्प्रे करते समय हाथ सीधे रखकर सीधी लाइन में स्प्रे करते हुए चलें। अगर पास में कोई दूसरी फसल लगी है तो हुड लगा दें। दोस्तों, मैक्स का इस्तेमाल करते समय हमें कुछ सावधानियों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि गोल नोजल का इस्तेमाल ना करें, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, मटमैला पानी प्रयोग ना करें। मैक्स का प्रयोग करते ही स्प्रे टैंक को टैंक क्लीनर या डिटर्जेंट से धो लें। कंकरीले या रेतली जमीन में मैक्स का प्रयोग ना करें। ढलान वाली जमीन में मैक्स का प्रयोग ना करें, जहां पानी लंबे समय तक जमीन के ऊपर बना रहे। ध्यान रखें, अगर बुआई के पहले 10 दिन में भारी बरसात से खेत में पानी खड़ा होता है तो कुछ स्थानों पर फसल में फाइटोटॉक्सिसिटी आ सकती है, जो 3 सप्ताह में सही हो जाती है। कि आप लोग ऐसे ही बैठे रहोगे या मैक्स खरीदने भी जाओगे, और सुनो वेबसाइट जरूर देखना www.maxbhai.com। क्या नाम बताया मैंने? www.maxbhai.com।